तो जी दोस्तों, हम हो चुके हैं सुपर डुपर लेट और भाई बलूजा को अभी उठाना बाकी है। अभी आया हूँ मैं नाइट्रोजन भरवाने इसके अंदर में। और अब सो हाँ जी दोस्तों, क्या हाल चाल आप सभी के। सो एक और नया दिन, एक और नई शुरुआत में आप सब बिल्कुल एक फ्रेश व्लॉग के साथ। सो वेलकम बैक टू द चैनल गाइस, दिस इज समीर खान एंड यू आर वॉचिंग एक्सट्रीम व्लॉग्स। भाई एनर्जी पूरा फुल है आज, और आज है दिन संडे का। तो अभी बज रहे हैं 10:40, उठ तो मैं वैसे एक घंटे पहले गया था। तो आज का दिन कुछ ऐसे बीतने वाला है कि अगर आप लोगों ने मेरी पिछली से पिछली वीडियो अगर देखी है जहाँ पे मैंने अपनी बाइक का शॉकर ठीक कराया था, तो वहाँ पे आप लोग को पता होगा कि मैंने बीच रास्ते में एक भाई को रुकवाया था जिनके पास इंटरसेप्टर थी 650 और उसमें लगा हुआ था गुड सेवक। तो मैंने कहा था कि भाई पूछ लेते हैं अपना दूसरा चैनल, जैसे कि आप लोगों को पता है कि एक बाइक रिव्यू और कार रिव्यू वाला चैनल है। अगर आप लोगों ने नहीं चेकआउट किया है, नए हो इस चैनल पे, तो ज़रूर चेकआउट कर लेना, डिस्क्रिप्शन में सारी चीज़ें दी हुई है। तो आज उन्हीं भाई के साथ में हमारा एक छोटा सा कोलैब है। किस्मत अच्छी थी मेरी कि जब मैंने उन्हें बीच रास्ते में रोका तो वो मेरे बिल्कुल घर के करीब ही निकले। तो 12:30 बजे का टाइम दिया हुआ है, बट उससे पहले हमें अपनी बाइक को थोड़ा सा धुलवाना है, अपना हुलिया भी थोड़ा चेंज करना है। तो आज हमारे एक दोस्त अनुभव भाई का एक GoPro 11 है, तो वो भी आ रहा है मेरे पास में। एक्चुअली उनके GoPro में कुछ फाइल रिपेयरिंग का इशू आ रहा था, तो वो उन्होंने मेरे को कुरियर करवाया। देखूंगा अगर वो बन गया तो मज़ा ही आ जाएगा, उनके पैसे काफ़ी बच जाएंगे, क्योंकि वो GoPro एक तरीके से अगर नहीं बन पाया तो डेड ही है। और आपने पिछली वीडियो में बहुत ज़्यादा पूछा था मेरे इस वाले माइक को, एंड समहाउ मैंने भी नोटिस किया कि ये वाला जो वर्जन है S13 Pro, इसकी आवाज़ मेरे पिछले वाले जो मैं वायरलेस माइक ग्रेनारो का J13 यूज़ करता था उससे ज़्यादा बेहतरीन है। तो आज का पूरा व्लॉग स्टार्टिंग से लेकर एंड तक कोशिश यही करूँगा कि मैं ये शूट करूँ, और अगर मुझे मौका मिल गया, देखूँगा अगर ये व्लॉग ज़्यादा लंबा नहीं हुआ तो एक डिटेल्ड रिव्यू वीडियो बना दूंगा इसी बीच में। तो आज ये लगभग जो आप सुनने वाले हो आवाज़ ज़्यादातर वो इसी माइक के बारे में सुनने वाले हो। तो भाई ये रही हमारी बाइक, और काफ़ी ज़्यादा गंदी हो रखी है तो इसको वॉश करवाना है। अभी बज रहे हैं वैसे 11:30 बजे का टाइम दे रखा है यार मैंने जाने का। और भाई ये जो दाग है ना मेरी बाइक में, बस क्या बताऊँ, ये बहुत ही दर्दनाक है। मतलब एक्चुअली मेरे घर में बिल्ली थी, अब उसके बाद उसने नाखून मारा धीरे धीरे करते करते, छोटे बच्चे हैं उन्होंने भी करते करते इसे फाड़ दिया। तो भाई इसके चक्कर में ना मुझे 50 बंदों ने टोक दिया कि भाई क्या है ये, कैसे फटा है। तो आज इसको भी ठीक करवा ही लेंगे। तो अभी का सीन कुछ ऐसा है कि मुझे एक जीन्स लेने जाना है, तो अभी उसे लेके और फिर उसके बाद वापस आते हैं। मेरे को लग नहीं रहा कि मेरे को टाइम मिलेगा बाइक वॉश करवाने का, तो आज दिन में बाद में कहीं भी कभी भी धुलवा लेंगे, क्योंकि मुझे इसमें थोड़े से ना स्टिकरिंग भी करवाने हैं। जैसा कि भाई हमारा जो दूसरा चैनल है वो काफ़ी अच्छा खासा ग्रो कर रहा है, तो उसके बारे में भी तो प्रमोशन बनती है ना। तो अभी चलते हैं, जीन्स उठाते हैं और फिर उसके बाद रेडी वेडी होके निपटते हैं, क्योंकि बलूजा भी मेरे साथ जाएगा। उसको शुक्र है मैंने जगा दिया, क्योंकि वो जगा नहीं हुआ था। तो मेरा इरादा कुछ ऐसा है कि ये इधर साइड का एक्सट्रीम व्लॉग्स तो बिल्कुल अच्छा लगता है, कोशिश यही करूँगा कि मैं ना इधर कहीं पर इधर साइड में लिखवाऊंगा अपना दूसरे चैनल का नाम मोटो वर्ल्ड। अब यहाँ लिखवाऊँ या कहाँ लिखवाऊँ जो भी है वो उस टाइम डिसाइड करेंगे। A few moments later. तो हम आए थे भाई ड्यूक के शोरूम में जो कपड़ा लेते हैं जहाँ पे, तो मुझे लेना तो ब्लैक में था, बट किसी वजह से मुझे ब्लैक समझ नहीं आया, तो मैंने भाई ऑल टाइम फेवरेट लड़कों का ब्लू जीन्स ही उठा लिया। तो अभी इसकी बिलिंग कराते हैं फिर उसके बाद चलते हैं। तो अभी बज रहे हैं 11:20 हो रहे हैं, और भाई मेरे पास सिर्फ 15-20 मिनट है मतलब तैयार व्यार होकर और फिर निकल जाने के लिए, क्योंकि जहाँ मैं जा रहा हूँ वहाँ पे आधे घंटे का टाइम लगेगा। फटाफट से बिलिंग कराते हैं और फिर घर पे मिलते हैं आप लोगों से थोड़ी देर में। तो जी दोस्तों, हम हो चुके हैं सुपर डुपर लेट, और भाई बलूजा को अभी उठाना बाकी है, क्योंकि मैंने उसे बोला था कि मैं ही लेने आऊँगा। तो फटाफट से उसे पिकअप करके और फिर चलते हैं द्वारका मेट्रो स्टेशन पर। तो भाई नितिन भाई को मैंने पहले ही बोला था कि 12:30 बजे बिल्कुल शार्प मिल लेंगे, और मैं खुद ही, मेरे को नहीं लग रहा मैं तक पहुंच पाऊंगा। अभी टाइम कितना, अरे यार इसका तो टाइम भी ख़राब हो रखा है, सेट करना पड़ेगा वापस से। बट जो मेरा मानना है टाइम अभी बज रहे होंगे 12:20 के आसपास। बताओ यार, बताओ 12:30 का मैंने टाइमिंग दिया था और 12:30 पे तो मैं निकल रहा हूँ। नितिन भाई सॉरी यार, मुझे पता है बाद में वीडियो देखोगे तो मैं एक्सट्रीमली सॉरी, क्योंकि मैंने आपको टाइम दिया था, वैसे तो फ़ोन करके बता दिया था 12:40 तक मिल लेंगे। आंटी दीपक हुआ नहीं तैयार? ठीक है, मेरा दोस्त आ चुका है और मेरे पीछे बैठा हुआ है। ये मेरा ये
बहुत ही चहीता दोस्त, अब समझ जाओ चहीता के बीच में आप जो भी लगाना चाहो वो आपके ऊपर में है। बेशक लेट मैं हुआ हूँ, लेट मैं उठाऊँ, पर लेट किसकी वजह से हुआ हूँ? इसकी वजह से, मेरी कोई गलती नहीं है भाई। आई एम द बेस्ट ब्रो, आई एम द बेस्ट। हाँ हाँ, तुम ही लेट आए हो, मैं क्या करूँ? पता, मैं तेरे बारे में तारीफ कर रहा हूँ अपने ऑडियंस के साथ। हाँ, वैसे भी मेरी ऑडियंस ना तेरी कल्ट वाली फैन हो गई है, पता नहीं क्यों। साला जिसको देखो वही कहता बलूजा बलूजा बलूजा। मैं तो सोच रहा था कि भाई देख, इसने हमारा काट दिया। मैं तो सोच रहा था इसका रास्ता काटने को, बिल्ली की तरह इसने हमारा काट दिया। तो भाई देखो, ऐसा है कि अभी मैं रास्ते में बनाना जाऊंगा ना, तो फिर बहुत लंबी वीडियो बन जाएगी, तो सीधा वहीं पे मिलता हूं मैं आपसे। A few moments later. मैं बिल्कुल बढ़िया, कैसे हो आप? तो कहाँ पे चले बताओ? तो चलो वहीं चलते हैं। तो भाई नितिन भाई मिल चुके हैं, और एग्जॉस्ट साउंड सुनना। भाई किलर साउंड आ रही है। हमें एक स्पॉट मिला है और यहीं पे हम शूट करेंगे। तो जी हम अभी चला रहे हैं नितिन भाई की इंटरसेप्टर 650, और ऑल टाइम फेवरेट बाइक है। आप लोग को तो पता ही है, मेरे ब्लॉग में देखा ही होगा, हर टाइम चिल्लाता रहता हूँ मैं कि किसी की मिल जाए रिव्यू करने के लिए, तो फाइनली आज मिल गई है। तो अभी सेटअप करते हैं। वैसे इसका रिव्यू जो है वो दूसरे चैनल पे आएगा, तो डिस्क्रिप्शन में जाके आप सारी चीज़ें देख लेना। अब इसको चलाते हैं। ओ भाई, डोमिनार से भाई काफ़ी भारी है। अच्छा पीछे पीछे कह रहा मेरे तेने हिलरी में वही लगाया था। सही भारी है, बहुत ज्यादा ऐसे फ्रंट में, पर इतनी स्मूथ है यार। क्या ही बोलूं, जितनी तारीफ कर लो उतनी कम है। One hour later. तो जी दोस्तों, बहुत अच्छी बातें हुई, बहुत सारी ऑफ द कैमरा, बहुत टाइम स्पेंड किया हमने। तो अभी हम लेते हैं नितिन भैया से अलविदा, और ये बलूजा को तो आप जानते ही हो भाई, ये तो विक्रम बेताल वाली जोड़ी है हमारी। तो जी बिल्कुल, और ये स्टार्टिंग है, अभी जा नहीं रहे हैं, मतलब ये तो अब हमारी स्टार्टिंग है, दोस्ती यारी जो हमारी हुई है अब आगे बहुत लंबी चलने वाली है भाई। अभी तो बहुत अमेजिंग कंटेंट मिलने वाले हैं मुझे नितिन भैया, और ऐसा नहीं है कि कंटेंट के चक्कर में ही भाई, जेन्युइनली बहुत अच्छे इंसान है, और इनका चैनल जरूर सब्सक्राइब करना, डिस्क्रिप्शन में सारी डिटेल मिलेगी। तो अभी के लिए यहाँ पे करते हैं हम एंड, और कंटिन्यू करेंगे जब घर पे जाएंगे वो सारी चीजें। तो बाय बाय अभी के लिए, बाय 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 बाय। ऑलराइट जी दोस्तों, बहुत ही कमाल का शूट हुआ। वैसे मुझे नहीं पता मैंने कितनी बार ऑलराइट बोल दिया यार। जब पता है बातें होती है ना दो दोस्तों के बीच में, और इतने बढ़िया बंदे यार, इतने बढ़िया बंदे, मैं क्या ही बताऊं, मज़ा आ गया सीरियसली। ट्यूनिंग बैठ गई बिल्कुल अच्छे तरीके से, और इतनी तसल्ली से शूट हुआ है ना, मेरा कोई भी शूट इतनी तसल्ली से आज तक नहीं हुआ जब से मैंने ये नया चैनल चालू किया है। तो अभी क्या है कि अभी हम चलते हैं अपने घर पर, और एक कैमरे के पीछे तो मैं करता ही रहता हूँ वैसे थोड़ा सा भाई, एक कैमरे के सामने थैंक यू सो मच, सपोर्ट कर देता है। इसके बिना ना चैनल, सही बता रहा हूँ, चलता नहीं मेरा, ये इसी की देन है जो मैंने ये दूसरा चैनल खोला था। तो लाइफ में ऐसे कमीने दोस्त होने चाहिए जो ज़बरदस्ती आपका चैनल खोल के दे दे। चल बैठ। तो भाई प्लान में थोड़ा सा चेंजेस है, एक्चुअली ज़्यादा टाइम हो गया तो ना हमने सोचा कि बहुत दिन हो गए मैकडी का बर्गर वर्गर खाए हुए, तो मैंने कहा बलूजा चल चलते हैं। अब मुझे रिग्रेट हो रहा है कि मुझे नितिन भैया से भी पूछना चाहिए था, तो नितिन भैया सॉरी यार, मैं पूछना भूल गया आपसे, बातें करते करते पता ही नहीं चला टाइम का, मैंने भी ध्यान नहीं दिया कि आपने भी कुछ नहीं खाया होगा। तो कोई नहीं, नेक्स्ट टाइम मिलेंगे ज़रूर अच्छे से खाएंगे। तो अभी चलते हैं मैं और बलूजा, और पता है यार हम थोड़ा आगे आगे, जबकि वहीं बिल्कुल पास में ही था मैकडी, अगर थोड़ा पहले बोला होता तो इतना दूर आने की ज़रूरत भी नहीं पड़ती हमें। ठीक है जी दोस्तों, फिर आपसे मिलते हैं वहीं पे। और यार अगर यहाँ तक वीडियो देख ही लिया है तो भाई सपोर्ट कर ही देना, चैनल सब्सक्राइब कर देना, और दूसरे चैनल को भी जरूर चेकआउट करना। तो भाई अभी हमने मंगाया है, वो मंगाया है मैकालू टिक्की मील,
और आवाज में थोड़ा सा डिफरेंस आएगा क्योंकि अभी ये डायरेक्ट आईफोन के उससे ही रिकॉर्ड हो रहा है। और ये देखो सबर नाम की कोई चीज नहीं है, खाया जा रहा है खाया जा रहा है। अबे वी आर व्लॉगर्स, तुझे पता है थोड़ा सा ना लगना चाहिए कि हम मतलब जानवरों की तरह नहीं खाते हैं। क्या कह रहा है, मेरा व्लॉगिंग से कोई वास्ता नहीं है, मेरे को जिस काम के लिए बनाया था उसके बाद जो ट्रीट मिलती है उसी से मतलब है। वीडियो एडिट करते करते ना टाइम का पता ही नहीं चला, और जैसे बाहर निकला 6 बजे पूरा अंधेरा हो गया। सर्दी में कितनी जल्दी अंधेरा हो जाता है। अभी आया हूँ मैं नाइट्रोजन भरवाने इसके अंदर में, और अब वॉशिंग तो हो नहीं पाएगी रात में, तो एक ना सीट का काम जरूर करवा लेते हैं क्योंकि बहुत टाइम से पेंडिंग है। तो और देखूंगा अगर स्टिकरिंग का काम हो जाएगा तो वो भी देख लेते हैं। तो अभी जो मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ ना वो कर रहा हूँ मैं डायरेक्ट इससे आईफोन के माइक से, और भाई अमेजिंग माइक है। डेडिकेटेड वीडियो बना दूंगा किसी दिन क्योंकि मिक्सअप हो गया बहुत सारी चीज़ें, तो अच्छे से समझ नहीं आएगा, तो डेडिकेटेड वीडियो मैं बना दूंगा नेक्स्ट वीडियो पूरा डेट उस माइक के ऊपर में। तो भाई मेरी तरफ से मच रिकमेंडेड है। बाकी मेरी दूसरी चैनल की वीडियो पे जाके देख लेना कैसी आवाज़ है उसकी, जो मैंने अभी आज वाला शूट किया है, तो आपको पता चल जाएगा पूरा आइडिया। One hour later. तो घर पे आ चुके हैं हम, और भाई गंदा ही फंस गया था मैं, तो भाई गलत डिसीजन था शाम को उठते के साथ ही मतलब बाहर जाना। तो सीट का काम मैंने करवा लिया है, सीट हो चुकी है हमारी बिल्कुल परफेक्ट। अब कोई नहीं बोलेगा कि भाई किस बात का ये सीट फट गया, ये कैसे ये निशान है। वो एक्चुअली मुझे भी बहुत बेकार लगता था, बट हर बार सोचता था आज कराऊंगा, और इस चक्कर में रह रहा था वो। तो ज़्यादा कुछ तो मैं नहीं दिखा पाया इस वीडियो में, और वापस से मैंने वही ग्रेनारो का माइक लगा हुआ है। क्या ही आवाज़ आ रही है, मतलब अपने प्राइस में बेस्ट है। ऑफर लगा के आप लोग को आराम से ये पड़ जाएगा 1800 रुपये समथिंग के आसपास, तो बड़े ही प्यार से पड़ जाएगा। वैसे अगली वीडियो मैं बना दूंगा इसके ऊपर में, ताकि आपको अच्छे तरीके से डिटेल में समझ आ जाए। इस वीडियो में मिक्स एंड मैच हो गया है, कुछ डायरेक्ट फ़ोन की आवाज़ है, कुछ डायरेक्ट इसकी आवाज़ है, बट ओवरऑल बहुत ही सेटिस्फेक्शनरी ये वायरलेस माइक है एज कम्पेयर टू पुराने वाले जो J13 Pro है समथिंग, ऐसा जो भी नाम है उसका, उसके कंपेयर में बहुत अच्छा है। तो भी आज के लिए रखते हैं हम इतना ही इस वीडियो के अंदर में, और अभी बहुत ही अमेजिंग कंटेंट आना बाकी है। तो बस इसी नोट पे करते हैं इस वीडियो को एंड। अगर आपको वीडियो में कुछ भी अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, कर ही देना यहाँ तक देख लिया। तो मिलेंगे मेरे ऐसे किसी नेक्स्ट व्लॉग में, टिल देन बाय बाय।